में की तैयारी कैसी थी? तैयारी बहुत ही बेकार थी। क्यों? कोरोना काल में विद्यार्थी कितना पढ़ेगा, सेल्फ स्टडी पगला जाएगा विद्यार्थी पढ़ते पढ़ते। कुल स्कूल बंद थी, कोचिंग उचिंग पूरा। सरकार को कोचिंग उचिंग सब खोल देना चाहिए था। दोस्तों, कॉलेज रोड ताजपुर की ये बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है और इस वक्त मैं ताजपुर LKBD कॉलेज की ओर जा रहा हूँ दोस्तों। और आज 12th का एग्ज़ाम का पहला दिन है और मैं आपको बिल्कुल आंखों देखी हाल दिखाऊंगा कि यहाँ पे पहला दिन एग्ज़ाम कैसा हुआ और यहाँ जो है स्टूडेंट, बाहर से आने वाले जो स्टूडेंट है वो यहाँ आकर कैसा फील कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं कि ताजपुर में पहली बार जो सेंटर पड़ी है उनको पसंद आई या नहीं आई, यहाँ की कैसी व्यवस्थाएँ हैं, सारा चीज़ मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा। दोस्तों, ये कन्या मध्य विद्यालय ताजपुर है जहाँ यहाँ भी सेंटर इस बार पड़ा है। ये दूसरा सेंटर है और LKBD है, उसके बाद ताजपुर हाई स्कूल है। तीन सेंटर जो है पूरा ताजपुर में इस बार जो है इंटरमीडिएट का पड़ा है। दोस्तों, मैं आपको आंखों देखी हाल दिखाऊंगा कि यहाँ की जो स्टूडेंट है वो क्या प्रतिक्रियाएं देंगे, वो मैं आपको यहाँ से दिखाऊंगा। इस वक्त जो है सारे लोग कन्या मध्य विद्यालय में स्टूडेंट अपना अपना एडमिट कार्ड दिखाकर अंदर की ओर प्रवेश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से यहाँ पे चाक चौबंद व्यवस्था है, गार्ड्स भी नज़र आ रहे हैं। कन्या मध्य विद्यालय ताजपुर का दोस्तों ये नज़ारा है। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ हाई स्कूल ताजपुर में और समस्तीपुर जिला का ये ताजपुर उच्च विद्यालय ताजपुर है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस वक्त आज बिहार बोर्ड की तरफ से इंटरमीडिएट की एग्ज़ाम का पहला दिन था और यहाँ पे अभी फर्स्ट सिटिंग एग्ज़ाम ख़त्म हुई है और यहाँ पे स्टूडेंट जो है सब अपने अपने घर की ओर जा रहे हैं। हालांकि दूसरी सिटिंग भी अभी यहाँ पे स्टार्ट होने वाली है। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ हाई स्कूल के गेट के पास। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रशासन भी चुस्त दुरुस्त नज़र आ रही है और सेकंड सेटिंग की जो एग्ज़ाम है वो कुछ ही देर में यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे चेकिंग भी किया जा रहा है स्टूडेंट को। पूरी तरह से यहाँ पे स्टूडेंट को चेक किया जा रहा है। हेलो दोस्त, मैं हूं आपका दोस्त शाह सफी का। आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ आप तक। इस वक्त मैं मौजूद हूं ताजपुर हाई स्कूल के ग्राउंड में और यहां पे हम कुछ लोगों से जानना चाहेंगे कि वो किस प्रकार यहां पे एग्ज़ाम लिखे हैं और कैसी तैयारी थी उनकी और कहां से आए हैं और क्या नाम है। आइए देखते हैं, क्या नाम हुआ आपका? केशव कुमार पांडे। कहाँ से आए हैं? समस्तीपुर से। तो अभी कौन से विषय की एग्ज़ाम थी? आज था फिजिक्स का। तो आपका एग्ज़ाम मतलब कैसा रहा? सही था, अच्छा था। और क्वेश्चन मतलब सही था, एक तरह से हल्का था, मतलब कि अंदर में व्यवस्था कैसी थी? और बहुत अच्छा था। टाइट था या थोड़ा लूज था? मतलब कि मीडियम ही था। तो अच्छी तरह आप लोग लिखे ना? जी जी। कितना मार्क्स ला सकते हैं इसमें? मानिए ना, जैसा 70 नंबर का है तो 30-40 तो आ ही जाएगा बस। कितना का ही काम कर भैया? इस बार कहते तैयारी नहीं हो पाया ना हम लोग का। क्यों तैयारी क्यों नहीं हो पाया? ये कोरोना लेके कहते कोचिंग बंद हो गया, लॉकडाउन लग गया, तो हम लोग तैयारी कर नहीं पाए, यही बात है। तो आप लोग सेल्फ स्टडी नहीं किए? सेल्फ स्टडी कैसे करेंगे बताइए, कैसे कोचिंग जाता है? वो सारा साधन है, अभी तो इंटरनेट का ज़माना है, उससे भी लोग पढ़ लेता है। हाँ, लेकिन ऑनलाइन क्लास, हम लोग पास मोबाइल नहीं था ना, हम लोग तैयारी कैसे करेंगे? क्या कहना चाहते हैं बिहार बोर्ड को या बिहार सरकार को? हम तो ये कहना चाहेंगे कि सब बच्चों को कहते सही सही नंबर देके पास कर दिया जाए, यही उम्मीद है, सबका अच्छा नंबर आए। तो आप लिखिएगा तभी तो पास करेंगे। तो लिखे हैं, जो लिखना जितना पढ़ेंगे उतना ही लिखेंगे, फालतू थोड़ी लिखेंगे। अनीश कुमार, कहाँ से आप लोग आए? हम, मेरा घर सिंगा घाटवा समस्तीपुर जिला में। अब हम यहाँ आए थे, मतलब कल ही आए थे, तो मेरा घर का रिलेशन यहाँ पे थे, तो हम लोग एग्जाम देने के लिए रुके थे। और आज सुबह में एग्जाम के अंदर जैसा हुआ, मतलब हम शुरू शुरू में बहुत ज़्यादा हेजिटेशन था जब, बट अंदर गए तो वहाँ पे अंदर जाने के बाद मतलब जो एग्ज़ाम था सर लोग टाइट किए हुए थे मतलब, लेकिन जब क्वेश्चन पेपर मिला तो उसके बाद तो मतलब जो जैसे था हेजिटेशन सब खत्म हो गया, अपने कॉपी पे ध्यान दे। कुछ बच्चे ऐसे थे मतलब जिनके पास था तो
वो चिट वगैरह, तो उन लोगों को एक्सपेल किया गया जो पकड़ा है, और यही सब कोई खास नहीं था एग्जाम। नाम का लड़का का क्या नाम था जिसको? नाम नहीं बता याद है, बट वो हमारे क्लास में था, तो पूरा कंफर्म है कि एक्सपेल्ड हुआ है वो। बोला गया ऐसा कि उसको एक्सपेल्ड कर दिया गया। ताजपुर में यहाँ पे आके आप कैसा फील कर रहे हैं, नए जगह में आके? थोड़ा अजीब लग रहा है लेकिन सही है, कहते मजबूरी रहना पड़ेगा ना, हम लोग तो रूम लेके रहते हैं। बहुत अच्छा, मतलब एक आदर्श परीक्षा केंद्र के रूप में इस परीक्षा केंद्र को रखा जाए, हम लोग का ऐसा सोच है। बहुत ही बढ़िया गया एग्जाम, अंदर में व्यवस्था ठीक थी। पूरा टाइट था या टाइट था? लूज था। टाइट था। ताजपुर में नए जगह में आके कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा, यहाँ पे फर्स्ट टाइम जो है सेंटर पड़ी है। आप लोगों को पता नहीं होगा लेकिन मैं बता दूं आप लोग, ये फर्स्ट टाइम यहाँ पे बहुत ही टाइट गया है, बहुत ही टाइट परीक्षा गया है। क्या नाम है? कन्या कुमार। कहाँ से आए हैं? भुसारी से, भुसारी हरिशंकरी हाई स्कूल। जाना चाहिए, क्या क्या लगा आपको, कैसा एग्जाम लगा? ठीक ही लगा। ठीक ही लगा है। ठीक ही लगा जी। तो ताजपुर में नए जगह में आके कैसा फील हो रहा है? ठीक ही हो रहा है, प्रथम बार पड़ा है लगभग। तो अंदर की व्यवस्था कैसी थी? अंदर की व्यवस्था, हम नहीं गए तो अच्छा ही होगा। और अभी अब सेकंड इनिंग में आपका एग्जाम। हाँ। दोस्तों इस वक्त सेकंड सीटिंग वाले जो स्टूडेंट है वो यहाँ पे अपना अपना रोल नंबर चेक कर रहे हैं लिस्ट में कि इनका कौन सा रूम में है। आप देख सकते हैं, आइए कुछ लड़कों से भी जानते हैं कि उनकी कैसी तैयारी है और कहाँ से आए हैं। आप लोगों का एग्ज़ाम अभी है क्या? जी। कौन सा विषय? पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस। कहाँ से आप लोग आए हैं? चिकनौटा। 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 चिकनौटा की भी सेंटर यहाँ पे है जी, तो समस्तीपुर का सेंटर है। तो ताजपुर में फर्स्ट टाइम में यहाँ पे सेंटर पड़ी है, तो कैसा आप फील कर रहे हैं नई जगह में आकर? क्या फील करेंगे, तैयारी क्या, आप लोग तैयारी कैसी है? तैयारी किए हैं तैयारी। तो कोरोना काल में आप लोगों को पढ़ने का मौका मिला है? नहीं, तैयारी नहीं, सही से तैयारी नहीं की है। नहीं। क्या नाम हुआ? कन्या मध्य विद्यालय के बगल में अभी खड़े हुए हैं। जी सर। एग्जाम हो गया क्या? जी सर, हो गया। हो गया। कैसा गया एग्जाम? बहुत बढ़िया गया सर। तो अंदर की तैयारी कैसी थी? अंदर के ठीक ही ठाक थी। तो आपकी तैयारी कैसी थी? हमारा सर कोरोना के वजह से कुछ कमी थी लेकिन वो भी पूरा हो गया, लिख दिया। जी सर। जी। तो सर लोग कॉपरेट किए या नहीं? नहीं सर, कोई कॉपरेट नहीं, पूरी तैयारी अंदर। जी, अंदर एकदम पूरा तैयारी थे, टाइट था अंदर से। जी। तो ताजपुर में पहली मरतबा यहाँ पे इंटरमीडिएट का सेंटर पड़ा, कैसा फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा था सर। अच्छा था जी। आपके घर से इसका ज़्यादा दूर भी नहीं है, करीब? हाँ, करीब ही था लेकिन स्कूल बहुत बढ़िया है। स्कूल बढ़िया है। जी सर। क्या नाम हुआ? राहुल कुमार। कहाँ से आए? हुसैनीपुर। हुसैनीपुर। मरीचा। जी, मरीचा से। दोस्तों इस वक्त मैं मौजूद हूँ कन्या मध्य विद्यालय में, और यहाँ पे जो स्टूडेंट अभी ये एग्ज़ाम देकर निकले हैं बाहर फर्स्ट सिटिंग में, और ये हुसैनीपुर यानी कि मोरबा प्रखंड के अंतर्गत ये पटोरी के आसपास के रहने वाले हैं। मोरबा प्रखंड में हुसैनीपुर वार्ड है, वार्ड तीन है। और ये बता रहे थे कि कोरोना के वजह से जो है तैयारियाँ जो है अच्छी तरह नहीं हो पाई, लेकिन फिर भी जितना भी हुई हम लोग लिख दिए हैं, और अब लोग या अब ये लोग आने वाले दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाएंगे। दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त साहिल सफीक, आप देख रहे हैं जनता की आवाज़। आप तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, और जनता की आवाज़ आप तक को यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब कर लें।